गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अच्छा 1-to-1 3 साल पहले हमने फॉर्म की थी। हम लोग के अराउंड 35 सॉन्ग्स आ चुके हैं और बहुत सारे पाइपलाइन में हैं। हमारे साथ और भी जो फ्यूचर में सॉन्ग आने वाले हैं हम मिक्का पाजी के साथ भी कर रहे हैं, कुमार पाजी, उससे बहुत नाम सुनने मिलेंगे और बहुत अच्छे गाने कोशिश कर रहे हैं हम सब तक पहुंचा पाए। एंड ये गाना कैसा लगा आप लोग बेटर जज कर सकते हैं, कैसा लगा आप लोग बताएंगे। ये सॉन्ग जो है वो हम लोगों ने चंडीगढ़ में शूट किया था और ये 3-4 मंथ्स ऑलरेडी हो गए और हम लोग का मतलब था कि 1-2 महीने पहले मतलब रिलीज़ करना था, लेकिन सर के ऑलरेडी बैक टू बैक कुछ शूट वगैरह चल रहे थे जिसकी वजह से ये टाइम पे ऑलरेडी उन्होंने रिलीज़ किया और अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। और क्योंकि अभी तक जो भी मैंने सॉन्ग किए वो इमोशनल सैड सॉन्ग रोमांटिक ऐसे किए, बट ये थोड़ा सा मेरे लिए हटके है तो मेरे लिए, और मुझे भी एक्चुअली अपना थोड़ा लुक भी थोड़ा चेंज देखने को मिला तो मुझे अच्छा लगा। आपने कहा कि काफ़ी समय पहले ये सॉन्ग शूट करना क्योंकि आपने रिलीज किए इसका कारण कि सर जैसे बताया 3-4 सॉन्ग ऑलरेडी लाइनअप। एक्चुअली हम लोग जो सोर्स बनाते हैं भी आए कि जो लुक हाँ जी स्टेटेड रिलीज होता है उसका हम लोग प्लान करके रिलीज करते हैं हर महीने। तो दिस सॉन्ग वाज प्लान फॉर रिलीज ऑन फेब्रुअरी क्योंकि बैक टू बैक सॉन्ग जब आप इतने सारे शूट करते हो तो हर एक का एक ये रहता है कि अगर पहले हमने रोमांटिक सॉन्ग शूट किया है या रिलीज़ किया है तो थोड़ा सा ब्रेक देके फिर ऐसा कोई चेंज मतलब हर बार वो चेंज कर करके शूट रिलीज़ करने का इनका प्लान था। इस वजह से मेरा जो नंबर था वो अभी आया। कल म्यूजिक वीडियो में तो हमने आपको देखा ही है, अभी और भी क्या कुछ आपने सोचा वेब सीरीज मूवीज? मेरी ऑलरेडी मैंने डिज्नी हॉटस्टार के लिए भी किया हुआ है शॉर्ट फिल्म जो कि अभी थोड़े टाइम के बाद आप लोग को देखने को मिलेगी। वो भी मेरा जो शूट था वो 4-5 मंथ्स हो गए, बट रिलीजिंग का जो भी टाइम है वो शायद इस मंथ के एंड में या मे बी नेक्स्ट मंथ रिलीज है। कुछ एल्बम के रिलेटेड जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो टाइटल, व्हाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर टाइटल, सिंगर और प्रॉपर लोकेशन में, ये क्या थीम है? करे दस दे का मतलब होता है, करे दस दे पंजाबी वर्ड, बेसिकली उसका हिंदी में घर पे बता दे कि कुछ ना कुछ करेगा ये बंदा, आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा। इट इज़ अ मोटिवेशनल डांस, इट कैन बी प्लेड इन क्लब्स। आई एम श्योर अगर जैसे आप लोग सुनेंगे गाना आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा। इट बेसिकली अब मोटिवेशनल भी है और ये डांस नंबर भी है आप बोल सकते हैं इसको। एंड सिंगर, ये सिंगर नया है, इन्होंने हमारे साथ और 3-4 गाने भी किए हुए हैं। और जो इसके डायरेक्टर है हनी राव है, जिन्होंने हमारे लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। एंड तनु जी का ये 3rd प्रोजेक्ट है हमारे साथ में। मतलब हर साल जो 3 साल इनका हुआ है तो हर साल मेरा एक सॉन्ग सर की कंप्लीट है। कॉन्ट्रैक्ट है तनु जी के साथ मतलब आप जब भी पर्टिकुलर ऐसा कोई रोल आता है तो आप उनके पास अप्रोच करते हो? और तनु व्हाई डिड यू आल्सो यू नो मतलब नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट हाँ जब सर ने कंपनी स्टार्ट की थी तो मेरे ख्याल से 3 या 4 जो भी सॉन्ग थे उसमें से एक मेरा था, है ना? हाँ जी, उसका भी हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तनु जी के साथ एसोसिएशन हैज़ बीन लॉन्ग एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड। और हम लोगों ने फर्स्ट सॉन्ग शायद कोविड के टाइम पे किया, था पागल ना कर दे, साथ ही तनु हाल ही में सोशल मीडिया पे सभी जगह तनु के बारे में जाना जा रहा है, कुछ कहना चाहोगे क्या इस बारे में? क्योंकि हमेशा से हर कोई अपनी लाइक इमेज को किस तरीके से पोर्ट्रे करता है, आप क्या कहना चाहोगे क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी डिफरेंसेस अभी लगने लगी है लोगों को नाम सुनने के बाद आपका? बोलने को तो हर कोई सही भी है गलत भी है, लेकिन सामने वाले क्या सोचता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा कि हर चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए अगर कि नहीं मैं ऐसी नहीं ऐसी हूँ तो मुझे मैं क्या हूँ मुझे पता है, तो मुझे नहीं लगता अभी कि मुझे कोई भी चीज़ आप लोग के सामने आके रखनी चाहिए। हाँ अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई भी टॉपिक पे ऐसे बात करना चाहिए तो मैं 100% आप लोग के सामने आऊँगी और अपनी जो भी बातें मैं रखूँगी। तनु वो टाइम कब आएगा जब आप सामने आकर अपनी बातें रखोगे? अभी जो टाइम नहीं, अभी आप गाने के बारे में बताइए, गाने के बारे में आप सब लोग को जो बुलाया हुआ है वो अच्छा है, बट गाने के साथ अगर आप जो चीज हम जानना चाहते हैं वो भी बताओगे आप तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बात बताइए, आप हमारा जो गाना है उसको प्रमोट करना चाहते हैं या जो भी चीज़ें चल रही है उसको प्रमोट करना चाहते हैं? नहीं तो पहले आप करिए, उसके बाद लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए वो आपको इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू। आपको इतना प्यार देते हैं इसलिए जानना चाहते हैं तनु का असली रूप क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको अगर गलत पोर्ट्रे करा जा रहा है तो आप बताइए आपके ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस आपको प्यार दे रही है इसलिए कर रही है। मुझे फ़िलहाल नहीं लगता कि मुझे इस टॉपिक पे कोई भी बात करना चाहिए। मुझे अगर लगेगा तो मैं 100% आप लोग को कॉल करके सर को बताऊंगी, सर प्लीज़ आप सब लोग को बुलाओ, मुझे आप लोग के सामने कोई भी चीज़ें जो भी बातें हैं वो रखना है। तो मैं 100% कहना ये है कि जो भी आपके बारे में चीज़ें कही जा रही है वो सच है। वो आप बोल रहे हो ना, वही बोल रहे। अगर सुनिए तो वो तो मोदी जी के लिए हम लोग अभी विल अप्रिशिएट अगर इस सॉन्ग के बारे में बोला जाए तो। ये तनु जी आपको आप लोग को सबसे पहले खुद आके बताएगी ये चीजों के बारे में। वो तो मोदी जी को भी बहुत सारी चीजें बोलती है, तो क्या सही हो गया? क्या उन्होंने स्पेशली आपसे ये क्वेश्चन करने के लिए बोला है हमें? यहाँ तक कि जनता आपकी रिकॉर्डिंग भी सुन रही है, जो भी आप बातें राखी से कर रही है वो सभी लोग सभी ये बातें सुन रहे हैं। तो आपको फिर पता होगा कि हम, क्योंकि मेरी राखी से आज तक के उसमें 2-3 बार जो भी बातें हुई मैंने बहुत प्यार से उनसे बात की है, कभी बदतमीजी नहीं, कभी कुछ भी नहीं, जो भी थी। लेकिन जो भी है अब मैं वही बोल रही हूँ, वो है जो भी मैटर है उनका मैटर है, वो जाने। मुझे ये सब में नहीं आना और मुझे अपनी कोई भी बातें ये सब टॉपिक पे नहीं लाना। आप क्या करूँ? ये बात सच है कि आदिल के अरेस्ट होने से 3 दिन तक पहले आप उनसे बात कर रही थी? पता नहीं मुझे। गाना अभी आप गाने के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे आप ये? हाँ जी हाँ गाइस, आई लाइक इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। आपको गाना अच्छा लगा, प्रमोट करोगे तो प्लीज करिए ना। मैं कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करती, सिर्फ ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा गाना आज रिलीज हुआ है। फ्रेंड्स आज हम लोग ये सक्सेस मनाने आए हैं, तो आप लोग का सपोर्ट। जल्दी तनु जी जब भी मीडिया से मिलना चाहेगी हम लोग फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।